दोस्तों आज मैं टेस्ट राइड करूंगा TVS अपाचे RTR 160 टू वाल्व वाली बाइक जो कि BS6 में आ चुकी है और आपके सामने है ब्लू कलर में। मैं इसको चलाकर देखूंगा कि यह पहले से कितनी बेहतर चल रही है, साथ में इसमें जो GTT टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, कितनी हेल्पफुल है आपके लिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा, डेमो उसका दिखाऊंगा। और ये BS6 बाइक है, आप देख सकते हैं इसके स्टिकर। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ये ऑन हो चुकी है और मैं आपको आज दूसरे रास्ते से लेकर चलूँगा जिससे आप लोग ये ना कहें कि उसी रास्ते से आप जाते हो। ये आप देख सकते हैं फेदर टच स्टार्ट जो होता है कितना आसानी से स्टार्ट हो जाती है। और फर्स्ट गियर, मैं इसकी ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, हर चीज़ें चेक करूंगा। बैलेंस अच्छा है इस बाइक का। और अब मैं GTT टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता हूं, उसके लिए मैं आप लोगों को लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी। और ये जो GTT टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये स्पेशली आपको जैसे जब आप ट्रैफिक में चलेंगे तो आपके हाथों में दर्द ना हो, आपको बार बार क्लच ना दबाना पड़े, एक्सीलेटर ना लेना पड़े, उसके लिए इसमें इंस्टॉल की गई है ये टेक्नोलॉजी। तो अब मैं इसको फर्स्ट गियर में डाल लेता हूँ। अब ये बाइक फर्स्ट गियर में है और अगर आप इसका एक्सीलेटर छोड़ देंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं अब ये फर्स्ट गियर में 6 की स्पीड दे रही है। ये आप देख सकते हैं मैंने एक्सीलेटर भी नहीं लिया हुआ है और ये 6 की स्पीड में चल रही है। और मैं दूसरा गियर इसमें डाल देता हूँ तो ये मुझे एक्सीलेटर नहीं लेना पड़ा और ये 11 की स्पीड दे रही है। दोस्तों यहाँ पर एक्सीलेटर मैंने नहीं ले रखा है, आप देख सकते हैं, और बाइक चल रही है 11 की स्पीड में, ये चल रही है। अब ये 10 हो गई है और मैं तीसरा गियर डाल देता हूँ। लेकिन दोस्तों तीसरे गियर डालने के लिए मुझे इसमें एक्सीलेटर हल्का सा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप तीसरे गियर में किसी ट्रैफिक में नहीं चलेंगे। तो अगर तीसरे गियर में अगर आप GTT टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो तीसरे गियर में इसकी स्पीड होगी दोस्तों 14 की स्पीड दे रही है ये। अब ये 15 है, आप देख सकते हैं, और मैंने कोई भी एक्सीलेटर नहीं लिया हुआ है। आप केवल हैंडल पर ऐसे हाथ रखेंगे और बाइक आपकी चलती रहेगी। ये है इसकी नई GTT टेक्नोलॉजी। अब मैं इसका एक्सेलरेशन चेक करूंगा, ब्रेक चेक करूंगा, क्योंकि इसमें सिंगल चैनल ABS आपको मिलता है। तो अब मैं मोड़ लेता हूं बाइक को। ये तो मैंने इसके ABS को चेक कर लिया, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। और सस्पेंशन देखिए, सस्पेंशन भी सही है। एक्सीलरेशन अब आप लोग देखें, नहीं। तो दोस्तों अब मैं एक टेस्ट राइड
बिना हेलमेट के चला के आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई हेलमेट पकड़ने वाला, कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए इस एस जे कैम से ही मैं शूट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर बाइक और मैदान में मैं चला कर देता हूँ। तो अब मैंने इस TVS अपाचे RTR 160 टूवाल BS6 बाइक को चलाकर देख लिया है। मुझे चलाने में ये बाइक कैसी लगी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं दोस्तों। तो सबसे पहले जब मैंने इसकी टेस्ट राइड स्टार्ट की दोस्तों, तो उसी समय मैंने इसकी GTT टेक्नोलॉजी को चेक किया। इस टेक्नोलॉजी में जब आप इस बाइक को चलाएंगे, इसकी टेस्ट राइड करेंगे, और अगर आप जैसे भीड़ भरी सड़कों पर या फिर आप रेड लाइट पर या आप कहीं भी चलाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है और आपको बार बार क्लच दबाना पड़ता है, आपको बार बार एक्सेलरेटर लेना पड़ता है, तो वहां पर ये टेक्नोलॉजी आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाली है। उसमें होगा क्या, मैंने आपको पूरा लाइव डेमो दिखा दिया है। आपको बार बार क्लच नहीं दबाना पड़ेगा। अगर आप पहले गियर में चल रहे हैं तो आप एक्सेलरेटर छोड़कर चलाएंगे तो 6 और दूसरे में फर्स्ट गियर में 6, दूसरे में आपको 11-12 की ये स्पीड देगी, जिससे आपको चलाने में इस बाइक को बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। तो ये चीज मुझे इस बाइक में सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि इसमें पहले ही सिंगल चैनल ABS आता था और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे ये नाइट्रॉक सस्पेंशन, ये सारी चीजें तो पहले से थी, तो इसमें ये तो सारी चीजें वही हैं। ब्रेकिंग भी मुझे सही लगी, मैंने ब्रेक लगा के चेक कर ली है इस बाइक की। जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट इस बाइक में लगी है, इसमें आपको BS6 इंजन मिलता है, जिसमें आप लोग जानते हैं पहले से ही ये RTR टेक्नोलॉजी की वजह से काफी मशहूर है। इसमें ओवर स्क्वायर इंजन लगाया गया है, जिससे बाइक में आपको पिकअप बहुत ही अच्छा मिलता है। अब जो बदलाव BS6 में हुआ है, जो मुझे महसूस हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैंने इस बाइक को एक्सेलरेट किया तो जो इसका साइलेंसर चेंज कर दिया गया है, कैटेलिटिक कन्वर्टर वाला, इससे इसमें थोड़ी सी गूंज और बढ़ गई है। और जब आप इसको भगाते हैं तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा और भगाऊं। तो मतलब इसके पिकअप और RTR टेक्नोलॉजी और साइलेंसर को मिला के अगर आप सारी चीजें देख के और सोचेंगे, तब आपको ज्यादा मजा आएगा कि हाँ भाई गजब की चल रही है, ऐसा मुझे लगा है। आप चाहें तो इस बाइक को टेस्ट राइड करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं आपको सही कह रहा हूँ या नहीं सही कह रहा हूँ। तो मुझे इस बाइक का पहले से जो पिकअप भी अच्छा लगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ चल रही है बाइक, उसका कारण यह है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लग गया है, सारी चीज़ें अब ये जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इसमें लग गई हैं, अब ये इस बाइक में सोचने समझने की शक्ति आ गई है, क्योंकि इसमें सेंसर लग गए हैं, तो ये पहले ही अपने आप ही डिसाइड कर लेती है। जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं तो TPI सेंसर बता देता है कितना पेट्रोल, कितना हवा का मिश्रण, ये सारी चीज़ें करनी है, जिससे आपको सही मात्रा में सारी चीज़ें मिलती है, आपको पिकअप भी अच्छी मिल जाती है। और BS6 में जब फ्यूल इंजेक्शन लग गया है तो आपको माइलेज पहले से ज्यादा बढ़ के मिलेगी, और कीमत भी इस बाइक की लगभग 8,000 से 10,000 रुपए ज्यादा ही रहेगी दोस्तों। अब आप लोग शायद पूछेंगे कि इसमें वाइब्रेशन का क्या हाल है, क्योंकि आप लोग जानते थे कि वाइब्रेशन करती थी बाइकें, तो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो गई है इसमें, मुझे ना के बराबर ही लग रही है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे वाइब्रेशन भी फील होने का कुछ कारण यह भी होता है कि अपनी शारीरिक बनावट जैसी होती है, कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, कुछ लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वहां पर भी आपको ये पता चल जाएगा कि फील ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसके साइलेंसर में एक एक्स्ट्रा बोल्ट लगा के दे दिया गया है, जिससे पहले ये जो साइलेंसर हिलता था, तो उसकी वजह से अब ये साइलेंसर हिलेगा नहीं, तो आपको वाइब्रेशन बहुत ही कम फील होगी। मेरे हिसाब से तो ना के बराबर है, लेकिन भाई अब सब लोगों के जैसे कि सब लोगों की सोचने की शक्ति या समझ अलग होती है, कुछ लोगों को फील हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं फील हो सकती है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम हो गई है। तो जो भी चीजें इस बाइक में लगी मैंने आपको इसमें बता दिया, और बाकी आप हाइट के हिसाब से देख सकते हैं मेरे दोनों पैर पहुंच रहे हैं, क्लिप ऑन हैंडल बार है इस बाइक में, फिर भी आप देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा झुकना नहीं पड़ रहा है, तो इस ऐसे में इस पोजीशन पर आपको कोई दिक्कत इस बाइक में नहीं होने वाली है। आप लोग बताएं कि ये कलर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई थी रिव्यू की तो उसमें दूसरा कलर आपको दिखाया था, ये ब्लू कलर बाइक जिसमें ये स्टिकर रेस एडिशन वाले स्टिकर लगे हैं, ये आपको कैसे लग रहे हैं।
आप लोग कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। तो पहले से ये बाइक इंप्रूव हो गई है, माइलेज आपको खास करके जो मेन फोकस मेरा है जीटीटी टेक्नोलॉजी, और इसमें माइलेज आपको बढ़ के मिलेगी पहले से ज्यादा दोस्तों। तो अब मैंने आपको सारी चीजें इस बाइक के बारे में बता दी है दोस्तों, डेमो भी दिखा दिया है जीटीटी टेक्नोलॉजी का, जिसके लिए आप लोग काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो ये बाइक उपलब्ध है सरदार टीवीएस अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर इस बाइक को या टीवीएस के किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं दोस्तों। तो लाइक करें जिससे हमारा उत्साह बढ़े, और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, फेदर टच स्टार्ट की वजह से जैसे कुछ लोग कह रहे थे किक नहीं है, तो इसमें जो फेदर टच स्टार्ट दिया गया है इससे ये बाइक बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।